प्रीता जी, थैंक यू, आप मिल गई. एक्चुअली प्रीता जी, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था. मुझे अभी अभी समीर ने बताया कि उसने करण को आपको हराने के लिए कोई प्लानिंग कर रखी थी. आई नो ये बहुत गलत बात है. अगर मुझे इसके बारे में जरा भी मालूम होता ना, मैं करण को ऐसा बिल्कुल नहीं करने देता. प्रीता जी, इतना बुरा लग रहा है मुझे. मैं जानती हूँ ऋषभ जी, आप ऐसा कोई गलत काम कभी कर ही नहीं सकते. आप वो करण की तरह थोड़ी हैं, लेकिन वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है. एक्चुअली करण ही की मैं तो जितने लोगों को जानती हूँ, आप उन सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे. प्रीता जी, अगर मैं अच्छा हूं ना, तो प्लीज सिर्फ इतना सा फेवर करना, अब दीपक को हाँ नहीं कहना. देखा क्या कहा था मैंने, वॉशिंग जीत गई ना. नहीं एकदम नहीं, काहे कि अभी अभी 104 रन ना बनाना है. और सारा सारा खिलाड़ी तो आउट हुआ नहीं है, है ना. तो अभी एक पाली बाकी है, जीत जाएंगे. क्या बोलते हो भगवान जी, जीत जाएंगे ना. रुको रुको रुको, अभी एक प्लेयर बाकी है. कौन? मैं बाकी हूँ दादी. आप? हाँ, मैं करूँगी बैटिंग. और क्योंकि मेरी टांगों में दर्द है, इसलिए मेरी जगह दौड़ेगी प्रीता. ओके. और एम्पायर जिसको मर्जी बना लो. चलो तुमने मेरे साथ चीटिंग की ना. चलो कोई बात नहीं, मुझसे तो तुम हैंडल नहीं होते, इसलिए मैंने तो सोफिया को बुला लिया है. तुम्हारे साथ वही डील करी. एक्चुअली मैंने तुम्हारी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स को फोन कर दिया है. 15 लड़कियां हैं इस मैदान में आ रही हैं, और तुम्हें अकेले उनको झेलना है. सोच लो क्या बोलोगे. एक्चुअली तुम सोचो, मैं रनिंग करके आती हूँ. मैं हार गया. बॉयज, नाक कटा दी तुम सबने. मेरी इज्जत खतरे में अब, क्योंकि तुम जीत गई हो तो मुझे तुम्हें किस दिन होगा. जीतने की पारी तुम्हारी. देखिए हम ऐसा कुछ बोले ही नहीं थे. देखो झूठ बोल रही हो तुम. बैठ लगा था ना, अब तुम अपने बात से मुखर नहीं सकती. कम ऑन, आप ये आवाज मत निकालिए. देखिए हमको घर पे बहुत काम है, ये सब बतियाने का हमारे पास समय नहीं है. तो फिर घबरा मत, मैंने किसी को नहीं बुलाया. जिस तरह तुमने मेरे साथ मजाक किया, मैंने भी तुम्हारे साथ मजाक किया. तो आज के बाद ये तो साबित हो ही गया कि हम तुमसे बेहतर हैं. तो अब मुझे कभी किसी चीज में चैलेंज मत करना, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते. बट स्टिल बेटर लक नेक्स्ट टाइम.